एनडीए को लेकर ये कहा जा रहा है कि एनडीए में संयोजक पद मतलब चंद्रबाबू नायडू को मिलना तय माना जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की नाराजगी की एक बड़ी वजह यही बना था कि उनको संयोजक पद जो है वो नहीं लेकिन उसमें एक फर्क था कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने का मतलब था प्रधानमंत्री पद के दावेदार होना, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर दूसरी जिम्मेदारियां हैं और दोनों बराबर के नेता है, कौन को ये जिम्मेदारी मिलती है उसमें कोई इस लड़ाई से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन में संयोजक का मतलब था कि वो चेहरा प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा, इसलिए नीतीश कुमार वहां वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन एनडीए में संयोजक बनने का मतलब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं है। नहीं, संयोजक वो इसलिए भी बनाए जा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो पोस्टर लगा है ना, तो टाइगर नहीं है, नीतीश कुमार जी को चीता कहना चाहिए, चीता चौकन्ना भी होता है और तेज भागता है, तो हो सकता है उनको संयोजक बना के बांध दिया जाए कि चीता भागने ना पाए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन भाई दूसरी तरफ संदीप जी, जो चंद्रबाबू नायडू के फेवर में बात जाती है उसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि साहब अनुभव है उनके पास एनडीए के संयोजक पद का, और दूसरी बड़ी बात यह कि सीटों के नंबर के लिहाज से भी जेडीयू से ज्यादा सांसद चंद्रबाबू, और दूसरी बात कम से कम पलटू राम तो नहीं है। हाँ। ये बात भी समझ लीजिए। हाँ। तो उन पे भरोसा ज्यादा रहेगा और एनडीए को मजबूती से बांध के रखेंगे, और जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू अब न केवल राज्य सरकार में भी उतनी मजबूती से आए हैं, वहाँ उनको एक तरीके से जरूरत भी नहीं विधानसभा में, फिर भी वो एनडीए के साथ बने हुए हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू और दक्षिण की राजनीति भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब दक्षिण पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का किला थोड़ा बहुत दरकता हुआ नजर आया, और दक्षिण में बीजेपी इस बार मजबूती से उभरी भी है, केरल में उसका खाता खुल गया है, आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ गई हैं उनकी, तेलंगाना में डबल हो गई हैं, और कर्नाटक में भी उसका प्रदर्शन खराब नहीं था जो आप अनुमान लगाया जा रहा था। तो दक्षिण में जिस तरीके से उसके पैर जम रहे हैं जैसे आप संदीप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है संभावनाएं वो ज्यादा दक्षिण से देखना चाहिए, और ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वो आगे की पंक्ति जिसमें एनडीए शासित राज्यों के अच्छा सब लोग खड़े हो रहे हैं अभिवादन करने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल के भीतर। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं पहुंचे हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, पर ये इस तस्वीर को देखकर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जेपी नड्डा जो हैं वो अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल हॉल से इस समय बाहर जा रहे हैं, और उनके साथ में प्रहलाद जोशी भी नजर आए हैं, अर्जुन मेघवाल भी नजर आ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये तीनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए इस समय सेंट्रल हॉल से बाहर गए हैं और बस चंद ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां वो भीतर लेकर आए। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और इसमें वो तस्वीर जो सामने आई, पहली पंक्ति में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल किनारे पर अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बिल्कुल ठीक उनके बराबर में मोहन यादव बैठे हुए हैं लेकिन वो बातों में मसरूफ हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटों पर कमर खिला है, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी को बड़ा जोर का झटका लगा है। मुझे एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री वाली बात पे आपको चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना पहले वाला भी प्रदर्शन करती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, मतलब बहुमत मिल जाता उनको उस तरह का। लेकिन प्रहलाद जोशी यहां पर संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली सरकार में और वो अभी भी वहां जा रहे हैं, इस बार संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका पिछली बार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि पिछली बार जितना संसद में तमाशा हुआ उसमें बार बार ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ट्रैक टू या बैक चैनल नहीं है जो विपक्ष के साथ तारतम्य बना सके, और इस बार आजाद भारत में सबसे पहली बार सबसे मजबूत विपक्ष है 232 सीटों का, तो उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, और मुझे लगता है प्रहलाद जोशी की बजाय कोई शायद दूसरा चेहरा आपको संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर दिखाई दे। ठीक, शुक्ला जी, विजय जी ठीक कह रहे हैं, इस बार फ्लोर मैनेजमेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, और जितने सांसद जीत के आए हैं उन सांसदों में से किसी एक को ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो विपक्ष और खासकर जो इंडिया गठबंधन से बाहर के दल हैं उनको मैनेज करके चले, क्योंकि कई बार ऐसा संसद में जरूरत पड़ेगी कि जब सरकार को ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो विपक्ष को काउंटर करने में सहायक हो। ऐसे में मुझे लगता है प्रहलाद जोशी का कार्यकाल पिछला वाला खराब नहीं था, लेकिन एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को जो
दूसरे दल के लोगों या सांसदों को मैनेज कर सके। आप कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी का पिछला कार्यकाल खराब नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले कार्यकाल में सदन के कितने दिन जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ गए और बार बार एक ही बात को रेखांकित किया गया कि साहब सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, बड़े भाई की भूमिका में सरकार, और ये कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि सबको साथ करे, एक साथ चले, और इसके लिए कोशिश जो है वो बैकडोर वाला जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, जिसकी अभी बात जो है विजय जी भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से देखा तो इस बार तो चुनौती और बड़ी होने वाली है संदीप जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अब जब आप विधेयक लाएंगे तो हर विधेयक पे वोटिंग भी होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अब संशोधन की भी गुंजाइश है और विधेयक रोकने की भी गुंजाइश है। पहले तो विधेयक आता था और सीधे पास होता था, ध्वनिमत से सीधे पास हो जाता। हाँ, तो अब बड़ा मुश्किल होगा, अब तो आपको हर बार हर चुनौती पे ये देखना होगा कि विधेयक ध्वनिमत, और कई बार चूंकि अब तो खासतौर पर सबसे बड़ी मुश्किल आएगी संविधान संशोधन यदि कोई करना चाहे तो, क्योंकि संविधान संशोधन के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो नंबर अब कम से कम एनडीए के पास नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ जो सिलसिला चल रहा है वो जो एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता हैं जो मंच पर नहीं हैं बल्कि सामने सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं, बाकायदा उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ओपीएस जो ओ पनीर सेल्वम है उनको हमने देखा, अभी पशुपति पारस को हमने देखा किस तरीके से उनका नाम लिया गया और उनके लिए सबने तालियां बजाई, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ जयंत चौधरी भी बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से वो तमाम अन्य जो एनडीए के साथी हैं, छोटे दल हैं, को भी उसी रूप में आज सम्मान दिया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।